रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मैं जहां से शुरुआत कर रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको, कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी कभी भी। डिफेंस तो डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, 1958 का बना हुआ है, और जी सतीश रेड्डी अपॉइंट हुए नए डीआरडीओ के चेयरमैन। अब डीआरडीओ ने 1983 से लेकर मार्च 2012, मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, मार्च 2012 यानी 1983 पाकिस्तान अटैक होने के बाद 83 से अपना एक कैंपेन चलाया और इसको 2012 तक चलाया डीआरडीओ ने, जिसका नाम दिया गया बेटा आईजीएमडीपी। इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह प्रोग्राम जो होता है इसके तहत डीआरडीओ एक्सपेरिमेंट करता है, टेस्ट करता है अपनी मिसाइल्स का, एंटी गाइडेड मिसाइल या सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस, एयर टू वाटर और सुपर क्रॉनिक ब्रह्मोस, ऑल इन वन, ऑल इन वन, ऐसी मिसाइल्स बनाता है और भारत को आगे बढ़ने के लिए अपनी डिफेंस को क्या करता है, मजबूत करता है, स्ट्रांग। इसको बोलते हैं आईजीएमडीपी, जो 1983 यानी 25 साल का प्रोग्राम था, 25 साल का प्रोग्राम 83 से 12, ये 25 साल का प्रोग्राम अब अंत हो गया। हालांकि टेस्टिंग अभी भी चलती है, लेकिन इसका नाम था आईजीएमडीपी, जो किसके भी आप से चलता था, ऑर्गेनाइज कौन करता था बेटा, डीआरडीओ, और डीआरडीओ का भी हेड कौन है, जी सतीश रेड्डी। सबसे पहले अपनी पृथ्वी के ऊपर चलते हैं, पृथ्वी वन, पृथ्वी टू और पृथ्वी थ्री, इनको अपन पढ़ेंगे। पृथ्वी जो है वो भारत की पहली स्वदेशी विकसित ब्लास्टिक मिसाइल थी, जो इस रिजल्ट के, इसका पहला रिजल्ट कौन लेकर आई, पृथ्वी वन, पृथ्वी वन इसका पहला था। पृथ्वी इज नॉट ए पर्टिकुलरली सोफिस्टिक मिसाइल इनकॉर्पोरेटिंग प्रोपोर्शनल टेक्नोलॉजी डेरिवेट फ्रॉम द सोवियत साउथ अफ्रीका टू सरफेस टू एयर मिसाइल। ये क्या थी बेटा, सरफेस टू एयर, यानी पृथ्वी से, सतह से आकाश में, हवा में, सतह से हवा, इसका होता है सतह से हवा में आप मार गिरा सकते हो। इसका फर्स्ट टायर जो किया गया था वो फरवरी 25, 1988 में किया गया था। उसके बाद में इसके दो वर्जन और बने जो सिंगल स्टेज के थे। ये किस फ्यूल के ऊपर चलती है बेटा, लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल मिसाइल आर नाउ इन सर्विसेज एंड ए थर्ड मे बी इन डेवलपमेंट। पृथ्वी फर्स्ट को देखते हैं, 150 किलोमीटर मारक क्षमता और 1000 किलोग्राम वेपन्स ले जाने में सक्षम। 1000 किलोग्राम तक के आप गोला बारूद जो भी है आप इसमें लेके जा सकते हो, और मारक क्षमता रेंज कितनी होती है, 150 किलोमीटर। इन आर्मी सर्विसेज, आर्मी को मिलेगी, नेचुरल है, आपको पता होना चाहिए किसको आर्मी को मिलेगी, किसको नेवी को मिलेगी, जो नेवी के अंदर आएगी जो समुद्र के रिगार्डिंग होगी, ठीक है, यह आर्मी के पास है। इज कैपेबल टू स्ट्राइकिंग अबाउट ए क्वार्टर ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरी इंक्लूडिंग द इस्लामाबाद एंड मोस्ट ऑफ द मेजर सिटी। हम चाहे तो यहां बैठ के पृथ्वी वन से इस्लामाबाद जैसे आतंकवादी संगठन को उड़ा सकते हैं, इतना पावरफुल है हमारा पृथ्वी वन, जो आपको नीचे नजर आ रहा है पृथ्वी वन। तो पृथ्वी वन का आता है क्वेश्चन, ये लिक्विड फ्यूल से 150 किलोमीटर, 1000 kg और फरवरी 25, 1988 के दिन इसको फर्स्ट टाइम जो है वो टेस्ट किया गया था। ये हमारी पहली स्वदेशी विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है, जिससे हम इसकी रेंज के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक को भी निशाने पे ले सकते हैं। 1000 किलोग्राम के आसपास ये वजन लेके जा सकती है, जिसकी रेंज है 150 किलोमीटर। चलते हैं पृथ्वी सेकंड और उसके बाद पृथ्वी थर्ड। पृथ्वी सेकंड आपको इस साइड में नजर आ रही है, पृथ्वी सेकंड को देखते हैं, जनवरी 27, 1996 यानी 88 के बाद कब, 1996, पहले 88 के दिन और फिर 1996 के दिन। अब देखिएगा वहां 150 किलोमीटर है, अब 100 बढ़ गया है, कितना हो गया, 250 किलोमीटर मारक क्षमता, लेकिन ले जाने में सक्षम कम, पहले 1000 kg थी, अब कितनी हो गई। अब नेचुरल आप दो में से एक ही कर सकते हो, रेंज बढ़ाओगे तो आपको किलोग्राम क्या करना पड़ेगा, कम, हल्का होगा तभी तो ज्यादा लंबा जाएगा। तो आपकी हथियार ले जाने में 1000 से कम करके कितनी कर दी बेटा, 500, और रेंज बढ़ा के हमने अब इस्लामाबाद की जगह में कह सकते हैं, अब तो और आगे तक जा सकते हैं, 250 किलोमीटर तक हमने इसकी रेंज कर दी,
ये एयरफोर्स, देखो वो आर्मी, ये बारीकी के क्वेश्चन आते हैं, पृथ्वी टू किस कौन किसके पास है, आर्मी एयरफोर्स, तो आपका आंसर क्या होगा एयरफोर्स, और फर्स्ट आ जाए तो क्या हो जाएगा आर्मी। डाउट क्लियर है क्या? Yes, पक्का? Yes, पहला वाला थल और दूसरा वाला हवा, और अब जल आ जाएगा। डाउट क्लियर है क्या? क्लियर। कुड स्ट्राइक एटलीस्ट हाफ ऑफ पाकिस्तान, पूरे आधे पाकिस्तान को हम उड़ा सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑलमोस्ट ऑल मिलिट्री टारगेट ऑफ इंपोर्टेंस एंड ऑल मेजर सिटीज, डेवलपमेंट ऑफ ए लॉन्गर रेंज रिड्यूस, मैंने कहा था ना लॉन्गर रेंज करने के लिए आपको पेलोड को क्या करना पड़ेगा, कम, तो लॉन्गर रेंज के लिए आपने पेलोड को कम करा और प्रति थर्ड को इंट्रोड्यूस कर दिया, कब? January 23, 2004, 88, 1996 और उसके बाद में क्या बेटा 2004, 150 से 250, 250 से 350, बट इसकी कितने किलोग्राम लेके जाएगी ये डिफाइन नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको नेचुरल रेंज बढ़ानी तो पेलोड को क्या करना पड़ेगा, कम, तो 350 किलोमीटर रेंज इज सजेस्ट बाय द सम सोर्सेस, द पृथ्वी थर्ड इज अपेरेंटली द नेवल वर्जन, आ गया ना, अब बताइए कितना जल्दी आपका आंसर, पृथ्वी फर्स्ट थल, पृथ्वी सेकेंड और प्रति थर्ड, हो गया ना, कभी गलत नहीं जाएगा, थे वा जय हवाच, ठीक है। इजी और टफ? एक सेकंड में आपकी टेबल बन गई। अब चाहे जो क्वेश्चन का आंसर वो आपसे पूछे, सीडीएस वालों के लिए कह रहा हूं मैं स्पेशली, जो डिफेंस के एग्जाम देते करते हैं उनके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पृथ्वी फर्स्ट सेकंड थर्ड, और नई भी क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट हम भारतवासी है, हमें हमारे IGMDP के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि प्रोग्राम क्या था, कितने साल क्यों चलाया गया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो इस प्रोग्राम के बारे में मैंने जब स्टार्टिंग करी थी तभी मैंने आपको कह दिया था, अधिकतर क्वेश्चन आता है और ये पूछा जाता है। IGMDP, डाउट क्लियर है? क्लियर है। 25 साल का प्रोग्राम कब से स्टार्ट करोगे? 83, एंडिंग कब करोगे? 12, और अभी अपन ने केवल एक ही मिसाइल पढ़ी जो तीनों को दे दी हमने, जिसका नाम क्या है, पृथ्वी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, थर्ड वाला क्योंकि देखो जल का है, जल की मारक क्षमता हमें पता है, रेंज पता है 350, लेकिन कितना इसका होगा वो पता नहीं है, तो इसका पेलोड कितना होगा ये पता नहीं है। चलते हैं सेकंड की तरफ, अग्नि, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 और अब 6, अब क्या कह सकता हूं मैं, 6, अग्नि 6 भी कह सकता हूं। चलते हैं सबसे पहले अग्नि मिसाइल, जिसको आप अग्नि को फायर बोलते हो, आग, और हिंदू गॉड भगवान भी मानते हो आप, देवता अग्नि को, इज ए फैमिली ऑफ मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को उड़ाने वाली। बताइए भारत ने धीरे धीरे तरक्की करी नहीं करी, पहले कल इस्लामाबाद, फिर पाकिस्तान की कुछ सिटीज, फिर थोड़ा और अब एक महाद्वीप से दूसरा महाद्वीप, ठीक है, थैंक्स टू APJ कला, द विंग्स ऑफ फायर, और उनके बाद में इनकी शिष्या जो इस कैंपेन को चला रही है, जो अभी तक क्या है, बैचलर है, और इसी के ऊपर अग्नि 6 के ऊपर लगी हुई है, क्या नाम है, नंदिता, बिल्कुल सही है। तो इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है, डेवलप किसके द्वारा बेटा, इंडिया, लेकिन नेम आफ्टर वन ऑफ द 5 एलिमेंट ऑफ नेचर, 5 ही तो एलिमेंट होता है, उसमें से एक है कौन सा बेटा, अग्नि। अग्नि मिसाइल आर लॉन्ग रेंज, न्यूक्लियर वेपन्स लेके जा सकते हैं, कैपेबल सरफेस टू सरफेस, स्टे से स्टे, एस टू एस, और न्यूक्लियर लेके जा सकता है। ब्लास्टिक मिसाइल, द फर्स्ट मिसाइल ऑफ द सीरीज अग्नि 1 वाज डेवलप अंडर द IGMDP, वही आ गया बेटा, इन टेस्टेड इन 1980, इसके जस्ट बाद, पृथ्वी 1 अग्नि 1, पृथ्वी 1 अगले साल क्या हो गया, अग्नि 1, आफ्टर इट सक्सेस, जैसे ही ये सक्सेस हुई, अग्नि मिसाइल प्रोग्राम वाज सेपरेटेड फ्रॉम द IGMDP, इंटरकॉन्टिनेंट था भाई, सेपरेट तो करना था, कि जब एक मिसाइल हमने ऐसी बना दी जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को उड़ा सकती है, और हमारे
न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर जाने में सक्षम है, तो फिर हम इसका आईजीएमडीपी से इसको क्या कर दिया 1989 के बाद सेपरेट, और वो आपको पता है उसका श्रेय एक ही बंदे को जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, है ना, अब्दुल कलाम सर को, वो बैठ के अलग इसी के ऊपर करते थे काम और किसी पे भी नहीं। आफ्टर इट सक्सेस अग्नि मिसाइल प्रोग्राम वाज सेपरेटेड फ्रॉम द आईजीएमडीपी अपॉन द रियलाइजिंग इट्स स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस। नेचुरल स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस तो है, जैसे ये हो गई ब्रह्मास हो गई, ये तो बिल्कुल ही अलग चलता है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा मिस्टर अग्रवाल, निशांत अग्रवाल, डेटा लीक, हनी ट्रेप में पाए गए ना, उसी चीज को बताऊंगा बेटा आगे भी देखेंगे। इट वॉज डेजिग्नेटेड एज ए स्पेशल प्रोग्राम इन इंडिया डिफेंस बजट एंड प्रोवाइडेड एडिक्यूट फंड फॉर सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट। बताइए भारत सरकार डिफेंस के लिए अलग से फंड दे रही थी, नहीं दे रही थी, केवल किसके लिए, अग्नि, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 अलग से फंड, कि हम खुद यहां बैठ के पूरे ग्लोबल लेवल के ऊपर इतने हो जाए पावरफुल कि इंडिया अमेरिका तक को उड़ा सके। एज ऑफ 2008 द अग्नि मिसाइल फैमिली कंप्राइजेज द 3 डिप्लॉयड वेरिएंट्स व्हाइल 2 मोर वेरिएंट्स आर अंडर टेस्टिंग। 3+2 5 now 6, अब तो छठी भी स्टार्ट हो चुकी है। देखते इसको क्या है, इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये अग्नि 5 और ये अग्नि 6 जो अभी अंडर डेवलप है, इसमें आपको एक एक चीज के क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, देखते हैं क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा बेटा तब समझ में आएगा। मैं W वेट को बता रहा हूं, L लेंथ को बता रहा है, ताकि आपका डाउट क्या हो जाए क्लियर। अग्नि फर्स्ट जिसका वेट है 12,000 kg और जिसकी लेंथ है 15 m, जो कौन से फ्यूल से चलती है बेटा, सॉलिड फ्यूल से, ये MRBM है, मीडियम रेंज ब्लास्टिक मिसाइल। ये स्टार्टिंग की जो दो बनी थी ना बेटा, वो MRBM थी, अग्नि फर्स्ट और अग्नि सेकेंड। 12,000 kg से इसकी वेट बढ़ा के कितना कर दिया, 16,000 kg। लेंथ इसकी 15 m से क्या हो गई बेटा, आपकी 21 m बढ़ गई दोनों। ये सॉलिड फ्यूल से थी और ये फर्स्ट टाइम मोबाइल लॉन्च व्हीकल से थी। मोबाइल लॉन्च व्हीकल का मतलब आप इसको ट्रक में डाल के कहीं से भी लॉन्च कर सकते हो इधर उधर कहीं। ये तो स्थिर थी जो जमीन से जुड़ी थी, और ये जमीन से जुड़ी नहीं है, इसको अस्थिर है, कहीं से भी ले जाके इसको लॉन्च कर सकते हो। इन एशिया ओनली एंड एशिया एंड चाइना एंड इंडिया, सॉरी एशिया में केवल चाइना और इंडिया ऐसी कंट्री थी जिसके पास में MLV थी, मोबाइल लॉन्च व्हीकल। मोबाइल लॉन्च व्हीकल का मतलब कहीं पे भी लेके इसको दाग सकते हो, S2S दोनों MRBM थी, लेकिन दोनों की रेंज देखो, एक 700 से 900 किलोमीटर थी ऑपरेशनल, और एक कितनी होगी बेटा, 2,000 से 3,000। उसके बाद बारी आती है अग्नि थर्ड की। अब देखिएगा रेंज, वेट देखिएगा बढ़ता जा रहा है, 48,000 kg, और मीटर 21 से इसकी छोटी की गई 17 m। ये थोड़ा फैटी थी, ये थोड़ी क्या थी, फेटी। इसको IRBM का नाम दिया गया, इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट नॉट मीडियम, इंटरमीडिएट। और इसकी रेंज को बढ़ा के 3,500 से 5,000 किलोमीटर ऑपरेशनल किया गया। फिर अग्नि 4 की बारी आई, लेकिन देखिएगा केजी कम हो गए, 17,000 kg, और इसकी लेंथ 20 मीटर है। बट देखिएगा इसका निकनेम, ये क्वेश्चन आया था, इसका निकनेम जो था वो था अग्नि थर्ड प्राइम। क्या नाम था, अग्नि थर्ड प्राइम। ये रोड मोबाइल, रोड होगी तो छोटी तो बनानी पड़ेगी ना बेटा, रोड का मतलब वो ताज में जब अटैक हुआ था ना 26, उसमें भी आप इसको ले जाके दाग सकते थे, वो तो मोबाइल लॉन्च व्हीकल थी, मोबाइल लॉन्च व्हीकल। ये फिक्स्ड है, ये मोबाइल लॉन्च व्हीकल, ये तो रोड पे लेके जा सकते हो, चौराहे पे ले जाके दाग दो आप, फटाके की तरह रॉकेट दागते हो ना वैसे। बताइए कितनी तरक्की करी, तभी तो इस प्रोग्राम को आईजीएमडीपी से क्या किया गया, सेपरेट किया गया। सरकार को पता था आतंकवादी कहीं पे भी आगे, किसी भी होटल में, किसी भी मकान में रह सकते हैं, किसी को हाईजैक कर सकते हैं। उस समय हमारे पास में कोई ऐसी मिसाइल हो जो S2S हो, जिसको हम रोड पे जाके दाग सकते हैं, बताइए कितनी अच्छी प्लानिंग थी हमारे देश की, बहुत ही अच्छी प्लानिंग। तो अग्नि 4 को इसलिए प्राइम नाम दे रखा, प्राइम यानी मैन। ये भी IRBM थी बेटा, और इसकी रेंज देखो उससे कम है, 3,000 से 4,000। बट टेस्टिंग हुआ, ये ऑपरेशनल नहीं हुआ, ऑपरेशनल तो तीनों हो गए, ये टेस्टिंग फॉर्म में,
ये टेस्टिंग फॉर्म में और ये क्या है अंडर डेवलप। फिर आती है बात अग्नि पांच की, इसका वेट देखो फिर बढ़ गया 49 kg सबसे हाईएस्ट और रेंज 17.5 लेंथ इसकी 17.5 मीटर। प्रोजेक्ट डायरेक्टर टेसी थॉमस, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है टेसी थॉमस, इंडिया मिसाइल वुमेन बोलते बेटा, क्या बोलते हैं टेसी थॉमस को इंडिया मिसाइल वुमेन्स, परमानेंट क्वेश्चन आता है ये, अपन कैसे याद करते हैं ऐसी की तेसी, तेसी आ रहा ना कि पाकिस्तान की ऐसी की तेसी, हमारे पास में अग्नि है तो तेसी निकल जाएगा, थॉमस तो लगाना ही है ना पीछे, तो ऐसी की तेसी से तेसी निकल जाएगा। डाउट क्लियर है क्या? क्लियर। इसको मिसाइल वुमेन बोलते हैं, मिसाइल मैन किसको बोलते हैं एपीजे को। अब बताइए दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए नहीं हुए? एपीजे इज इक्वल टू मिसाइल मैन और मिसाइल वुमेन इज इक्वल टू ऐसी की तैसी, अपन को तो याद रखना ऐसी की तैसी। आईसीबीएम है, देखो शब्द देखो, ये भी आईसीबीएम और ये आईआरबीएम थी और वो एमआरबीएम थी, इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल, ये तो इंटरमीडिएट थी, इंटरकॉन्टिनेंटल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, इसीलिए तो चाइना और अमेरिका डर गया और चाइना इसलिए भारत को एनएसजी में शामिल नहीं होने देता है, वो पाकिस्तान का हवाला देता है पिछली बार वाटसनर में भारत शामिल हो गया था, वाटसनर में कौन शामिल हो गया भारत, एनएसजी में नहीं हुआ और एनएसजी के अंदर जो है मतलब पूरे विश्व को विश्वास है कि भारत के पास में इतनी बड़ी रेंज की मिसाइल्स होने के बावजूद ये कभी इसका गलत उपयोग नहीं करेगा, भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन चाइना एक ऐसा है जो हमेशा पाकिस्तान का हवाला देता रहता है, इसलिए आज तक हम एनएसजी में शामिल नहीं। तो 5000 से 8000 किलोमीटर है टेस्टिंग के ऊपर है बेटा आईसीबीएम है और दूसरी भी एक आईसीबीएम बनके तैयार हो रही है अग्नि 6 55000 kg और पूरा का पूरा असला चल गया न्यूक्लियर का, कितना बड़ा असला गया 55000 kg में, बट इसकी लेंथ अब क्योंकि अभी डिफाइन नहीं करी है, बंदी है ना इसलिए, तो 55000 kg यदि कोई लेके जाएगी तो उसकी लेंथ फेटी होगी या थिक होगी ये अभी डिसाइड नहीं है, ये भी आईसीबीएम है। इसकी मारक क्षमता देखो 10000 किलोमीटर, 10000 किलोमीटर अपने आप में पूरा ग्लोबल ही हो गया, 10000 में आप कैसे कह सकते हैं ग्लोबल लेवल, ये है वो व्यक्ति जो आज भी याद किया जाता है, 15 अक्टूबर इज अ डे स्टूडेंट डे, 15 अक्टूबर जिनका स्टूडेंट डे के रूप में अपन मनाते हैं, हमारे प्रिय मिसाइल मैन एपीजे सर, और उन्हीं की देन है अग्नि 1 अग्नि 2 अग्नि 3 अग्नि 4 अग्नि 5 और अग्नि, और अब उनकी शिष्या चला रही टेसी, टेसी थॉमस और नंदिता दो। चलिएगा नेक्स्ट, पहले बताइए आपको एमआरबीएम आईआरबीएम और आईसीबीएम में कोई अब कंफ्यूज तो नहीं है ना, ये इंटरकॉन्टिनेंटल है और ये इंटरमीडिएट है और वो ओनली मीडियम रेंज की है, वो इनिशियल स्टेज की है और ये तो आज के स्टेज की है, 1 2 3 4 5 6 देखिएगा, 4 का साइज मैंने कहा ना फेटी है और ये इमेजनरी, थर्ड अग्नि फर्स्ट सेकेंड इधर फोर्थ दी है फिर थर्ड दी है और ये वर्चुअल है, किसी की इमेजनरी के ऊपर बनाए गए चित्र एक्चुअल से इसका कोई लेना देना नहीं है, वर्चुअल ठीक है। चलते एक और त्रिशूल, त्रिशूल त्रिशूल इज अ शॉर्ट रेंज एस टू ए सरफेस टू नेचुरल, त्रिशूल को यदि आप किसी के मारोगे तो एयर में ही तो जाएगा, वो तो खड़ा हो जाएगा ना इस चक्कर में एयर, और ये क्या होगा सरफेस, ये क्वेश्चन आया हुआ है सरफेस टू एयर, डेवलप बाय इंडिया, इट वॉज डेवलप बाय डीआरडीओ और वही आपका आईजीएम डीपी प्रोग्राम के तहत जो 25 साल तक चला था, इट कैन ऑल्सो बी यूज एज एन एंटी सी स्कीमर फ्रॉम ए शिप अगेंस्ट द लो फ्लाइंग अटैकिंग मिसाइल, समुद्र में भी आप इसको काम में ले सकते हो, बट 27/9/2008 के दिन की बात है बेटा, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको कंप्लीटली क्लोज कर दिया क्योंकि ये टेस्टिंग में अनसक्सेसफुल रही, जब इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा फेल हुआ कि त्रिशूल अनसक्सेसफुल जा रही है, इस प्रोग्राम को 2008 में ही बंद कर दिया गया। ऑपरेशनल रेंज इसकी 9 किलोमीटर थी, 130 केजी इसका वेट था, लेंथ इसकी 3.1 मीटर थी, इंजन इसमें जो लिया गया था वो सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल था, सिंगल स्टेज ही नजर आ रही है आपको बिल्कुल छोटी, और इसमें सॉलिड फ्यूल यूज किया गया था, इसका नाम क्या था त्रिशूल। इसमें जो ये क्वेश्चन है ना ये आया हुआ है कि भारत का कौन सा मिसाइल का प्रोग्राम समय से पूर्व ही बंद कर दिया गया था त्रिशूल,
त्रिशूल सक्सेसफुल नहीं हुआ था टेस्टिंग में, हमने कई बार इसका ट्राई ट्राई ट्राई, और फिर ज्यादा वेस्टेज करना बेकार होता है, तो फिर इसको हमने आईजीडीएमपी प्रोग्राम से सेपरेट कर दिया गया और इसको बंद कर दिया गया। और अग्नि ध्यान रखना आईजीडीएमपी का नहीं है, पहला था आईजीडीएमपी का जो हमने अग्नि फर्स्ट करी, उसके बाद हमको पता चला कि अग्नि तो बहुत ही शानदार है, कलाम साहब ने कहा कि इसका अलग से सेपरेट होना चाहिए, इसके अलग से फंड बनाना स्टार्ट कर दिया। चलते नाग, द नाग मिसाइल इज एन इंडियन थर्ड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ, उसके बाद में कुछ भी नहीं है, बटन दबाने के बाद में आप इसके कनेक्टर भी नहीं हटा सकते, फिर तो ये दगेगी जो दगेगी, बटन दब गया तो दब गया, दागो और भूल जाओ। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है नाग, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आती है बेटा फुल फॉर्म ATAGMB, ATGM, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इट इज एन ऑल वेदर, किसी भी मौसम में चला लो बेटा, चाहे फोग हो चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल सक्सेस जाएगी, टैंक को तोड़ सकती है। टॉप अटैक मिसाइल विथ अ रेंज ऑफ 3 to 7 किलोमीटर, ये शब्द आया था हेलिना, ये परमानेंट आता है इसका, हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग, जो हेलीकॉप्टर काम में लिया जाता है ना बेटा नाग को लॉन्च करने के लिए, उसको हेलिना प्रणाली बोलते, क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर इन नाग, नाग के लिए जो हेलीकॉप्टर काम में लेते हैं उसको हेलिना बोलते हैं, ठीक है। और ये 7 से 8 किलोमीटर लॉन्च फ्रॉम ट्विन ट्यूब स्टब विंग्स माउंटेड लॉन्चर ऑन ब्रॉड ऑफ द आर्म HL ध्रु, किसके ऊपर काम में ली जाती है, HL ध्रु, हेलीकॉप्टर का नाम है हमारे ध्रु, जैसे अपाचे ले रहे ना अपन, वैसे हमारा ध्रु है, और साथ में है बेटा HL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ये काम में लिया जाता है इसमें, जो बिल्कुल ही लाइट कॉम्बैक्ट होता है, और इसको बनाती कौन है बेटा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, अभी काफी चर्चा में HL, जब से राफेल डील हुई उसके बाद में HL काफी चर्चा में, 10,000 एम्प्लॉय को अभी क्या किया गया, वॉश आउट किया गया। तो ध्यान रखना बेटा नाग मिसाइल इंडियाज इंडिजीनियस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसको ध्रुव नाम के जो है HL के द्वारा बनाया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा ध्रुव नाम का जो हेलीकॉप्टर बनाया गया उसके द्वारा इसको दागा जा सकता है। ध्यान रखना ये फायर एंड फॉरगेट है, यानी दागो और भूल जाओ, फिर आप इसको रोक नहीं सकते। आकाश लगने लायक क्वेश्चन है बेटा ये भी, आकाश नाम से पता चलता है इज ए मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर, जैसे पहले क्या था त्रिशूल, वैसे ये भी सरफेस टू क्या है, एयर मिसाइल, डिफेंस सिस्टम डेवलप बाय द DRDO, द प्रोग्राम ऑफ द यह सेमी है DRDO एज वेल एज द भारत डायनेमिक लिमिटेड और मिसाइल सिस्टम एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक फॉर अदर रेडार कंट्रोल सेंटर इन इंडिया, इसने बनाई थी बेटा कौन सी, आकाश, लगता है आकाश की लेंथ है 5.78 मीटर, ऑपरेशनल रेंज 30 किलोमीटर, आफ्टर US, इंडिया का देखिएगा कमाल, US इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू यूज फर्स्ट टाइम फेच शिफ्टर सिस्टम इन दिस मिसाइल टेस्टिंग, या तो US के पास था अपने खुद का फर्स्ट टाइम फ्रेज शिफ्टर सिस्टम, उसके बाद किसके पास है बेटा, इंडिया, तो ये भी अपने आप में क्वालिटी की बात है। हालांकि ब्रह्मोस के लिए बता दूं विश्व में किसी के पास नहीं है, विश्व में ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है विश्व में किसी के पास नहीं है, इसलिए चाइना ने पाकिस्तान वो हनी ट्रैप करवाया उससे, मिस्टर अग्रवाल निशांत अग्रवाल, जो विश्व में किसी के पास में नहीं हो और भारत के पास में हो वो भारत को एक ही तरीके से लूट सकता है। पहले प्यार से अच्छे से साइंटिस्ट बनो, यंग साइंटिस्ट का अवार्ड जीतो, लोगों का विश्वास जीतो, विश्वास जीत के नागपुर पहुंच जाओ, नागपुर पहुंच के आप ब्रह्मोस के क्या बन जाओ, ऑपरेशनल के हेड, ऑपरेशनल के हेड बन के यहां की लीक करो लड़कियों को और फंस जाओ। बताइए जो विश्व में किसी के पास नहीं हो भारत के पास में और भारत के ऐसे डेटा दे रहे तो उस व्यक्ति के खिलाफ क्या होनी चाहिए कार्यवाही, सख्त से सख्त कार्यवाही। हमें नाज है अमेरिका के पास ब्रह्मोस नहीं है, किसी के पास नहीं है, केवल भारत देश के पास में है जो तीनों के अंदर मुकाबला कर सकती है, तीनों में जल थल और नब, ऐसी मिसाइल को अपन सुपरकोनिक मिसाइल के नाम से जानते हैं। चलते इसको देखते हैं, तो US के बाद में यदि कोई भारत के पास यदि कोई मिसाइल है वो कौन सी बेटा, और कौन सी बंद कर दी गई, और नाग क्या है बेटा, एंटी टैंक, वेरी गुड, दागो और भूल जाओ, जो कौन से के ऊपर चलती है, ध्रुव, जो किसके द्वारा डेवलप है बेटा, HL। आपको इंटरेस्टिंग लग रही है या मैं केवल यही पढ़ा रहा हूं,
इफ यू फील द वेस्टेज ऑफ टाइम देन अवॉइड इट. ओके ब्रह्मोस, इसके बारे में तो मैं जितना कहूं उतना कम है. सैल्यूट है ऐसी मिसाइल को. द ब्रह्मोस इज ए मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दैट कैन बी लॉन्च फ्रॉम, देखिएगा, सबमरीन. और अभी भारत में कौन सी, अरिहंत, पिछली बार पढ़ाया था मैंने आपको. उसके बाद भारत तीनों में होने वाला कौन सा बन गया, पांचवा देश. शिप, एयरक्राफ्ट और लैंड, बताइए हो गई सब. इट इज द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड. लॉन्च प्लेटफॉर्म देखिएगा, शिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट अंडर टेस्टिंग. एयरक्राफ्ट क्या चल रही है, अंडर टेस्टिंग. एंड लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर यूज बाय द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स. और यदि फर्स्ट बोलू तो थल, सेकेंड बोलू तो वायु, और थर्ड बोलू तो जल. ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड अलग हो गया ना, बताइए कहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक है, कहां पे आपका एमजीएल, अलग ही कर दिया ना इसका डिपार्टमेंट. इसका डिपार्टमेंट अलग है, जिसके एक ब्रांच का है नागपुर, और उस नागपुर वाली में पूरे के पूरे हमारे कहते हैं गुप्त सूचना है, और गुप्त सूचना इन्होंने क्या कर दी, लीक. वेट देखो बेटा 3000 केजी. इंजन कौन सा है, फर्स्ट स्टेज में तो सॉइल फ्यूल है, फिर रॉकेट बूस्टर है, और सेकेंड स्टेज में क्या है, लिक्विड फ्यूडेड रैमजेट. INS राजपूत, ये मेरा क्वेश्चन है. जब ये जल सेना में जाती है तो किसके ऊपर होती है बेटा, राजपूत, INS राजपूत, और साथ में INS रणवीर. ये ब्रह्मोस को दागने के लिए काम में लेते हैं, राजपूत और रणवीर. ठीक है, वैसे रणवीर सिंह नाम आ जाएगा तो आप समझ जाओगे, रणवीर सिंह. और अभी किसकी शादी कराई थी आपने, तो रणवीर सिंह आती है आपके, रणवीर भी क्लियर हो जाएगा. सिंह से क्या बन जाएगा, राजपूत, और राणा वहां बन जाएगा आपका सागरमाला में. ये क्वेश्चन मेरा है, प्लेस ऑफ ओरिजन इंडिया और रशिया. इंडिया के रिवर ब्रह्मपुत्र का ब्रह्म नाम लिया गया, और रशिया के रिवर का नाम मॉस्को का मोस लिया गया. ये मेरा क्वेश्चन बनता है, तो ब्रह्म प्लस मोस, ब्रह्मोस, इंडिया एंड रशिया. डाउट क्लियर है बच्चा, ओके. डीआरडीओ एम्प्लॉय, ये मैंने लिखा है, निशांत अग्रवाल हेल्प फॉर लीकिंग द ब्रह्मोस मिसाइल सीक्रेट टू पाकिस्तान एंड चाइना. ये करंट अफेयर्स में था. अस्त्र, दो शब्द होते ना, अस्त्र और शस्त्र. अस्त्र इज एन ऑल वेदर बियॉन्ड द विजुअल रेंज एयर टू एयर. ये क्वेश्चन आता है, अस्त्र तो एयर टू एयर ही होगा, अस्त्र क्या होता है, एयर टू एयर. मिसाइल डेवलप बाय द डीआरडीओ इंडिया, इट इज द फर्स्ट ए टू ए मिसाइल डेवलप बाय इंडिया. फर्स्ट है बेटा अस्त्र. इट फीचर मिड कोर्स इंटीरियर गाइडेंस विथ टर्मिनल एक्टिव रेडार होमिंग. लॉन्च प्लेटफॉर्म क्या है बेटा, सुखोई. वो ध्रुप है, वो विक्रांत, राजपूत और रणवीर, और ये किसके ऊपर, सुखोई. सुखोई 30 MKI, सबसे ज्यादा अभी सुखोई किसने दौड़ाया था, हमारी हाँ अवनी वगैरह, ये तो है, हमारी डिफेंस मिनिस्टर ने भी तो करा है. और रेंज क्या है बेटा, 25 से 40 किलोमीटर. ये देखिएगा इस तरह से इसको फिट किया जाता है सुखोई में, और सुखोई तो खुद ही बाज से भी तेज उड़ता है. और फिर जब ये फिट करते ऊपर से बटन दबाया, दागोर भूल जाओ, ये भी वही है, ये सुखोई में यूज किया जाता है. डाउट क्लियर है, तो मेरा क्वेश्चन आ जाए, सुखोई में कौन सी मिसाइल यूज की जाती है, अस्त्र ए टू ए, और आकाश भी, और त्रिशूल सरफेस टू, और नाक एंटी गाइडेड. ठीक है, यस. लाहत फुल फॉर्म आती है बेटा इसकी, लेजर होमिंग अटैक और लेजर होमिंग एंटी टैंक, आल्सो है हेब्रू वर्ड फॉर, वी कैन से इनकैंडेशंस, इज अ थर्ड जनरेशन सेमी एक्टिव लेजर होमिंग गाइडेड लो वेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डेवलप सिंस 1992 एंड मैन्युफैक्चर बाय द इजराइल, इजराइल एरो स्पेस इंडस्ट्री, स्पेशली लॉन्च बाय विच टैंक, अर्जुन, जो अर्जुन के ऊपर लगाई जाती है. लॉन्च प्लेटफॉर्म है बेटा 105 से लेकर 120 mm तक, और यह है स्मूथ बो रोटरी विंग एयरक्राफ्ट.
गाइडेड सिस्टम। इस तरह का गाइडेड सिस्टम होता है जो टैंक पे लगाया जाता है अर्जुन के ऊपर, जो एंटी गाइडेड होती है, जिसका नाम है लेहात। लेहात की फुल फॉर्म है बेटा लेजर। इसमें लेजर, आजकल नया जमाना आ गया है, थर्ड जनरेशन लेजर। पहले फायर होते थे, आजकल कुछ नहीं, लेजर से शूट करो सीधा। ये लेजर गाइडेड है, ध्यान रखना, जिसका नाम क्या है लेहात। एल से लेहात हो जाएगा तो लेजर बन जाएगा। डाउट क्लियर है क्या? और फिर शब्द क्या आ जाएगा? अर्जुन। सागरिका, सागरिका आल्सो नोन बाय द कोड नेम K15। इट्स माय क्वेश्चन, K15। जैसे वहां पे प्राइम पढ़ा था ना अपने, प्राइम किसको नाम दिया गया था? तो वैसे ही क्वेश्चन आता है, K15 और B05 के नाम से जाना जाता है सागरिका को। इज ए न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल विथ अ रेंज ऑफ 750 किलोमीटर। इट बिलोंग टू के मिसाइल फैमिली एंड फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ द इंडिया न्यूक्लियर ट्रायड एंड विल प्रोवाइड रेशनलिटी न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी। लॉन्च प्लेटफॉर्म क्या है? अरियंत क्लास। जितने भी अरियंत होते ना बेटा, उसके ऊपर ये सबमरीन लगती है। अरियंत अभी बनाया अपन ने, तो उस अरियंत सबमरीन से हम क्या कर सकते हैं बेटा? सागरिका, जो अभी लास्ट में आपको पढ़ाया था, अरियंत हमने खुद ने हमारी पनडुब्बी बना ली। उस पनडुब्बी के ऊपर हम कौन सा फिट कर सकते हैं? सागरिका को। और कितने रेंज तक बेटा? 750 किलोमीटर। इसका रेंज ऑफ 750 किलोमीटर, ऑपरेशनल रेंज है 750 किलोमीटर, जिसको हम 435 MI भी बोल सकते हैं, विथ 1000 kg इसका क्या है बेटा? पेलोड। इतना वजन लेके जा सकती है इतनी स्पीड से, और किसके द्वारा? अरियंत के द्वारा, पनडुब्बी। यानी भारत भी अब वो सशक्त बन चुका है, जैसे कि गाजी अटैक के अंदर हमारे INS विक्रांत को उड़ाने की साजिश रची थी किसने? पाकिस्तान ने। तो हम सागरिका के द्वारा इसको फिट कहां कर सकते हैं? अरियंत के ऊपर, और हम 750 किलोमीटर तक का समुद्री एरिया कवर कर सकते हैं। यानी मैं बोलू तो हिंद महासागर से एशिया पैसिफिक पूरा ले लो, पैसिफिक तक ले जाओ आप, वहां तक का एरिया कवर हो सकता है इससे। तो भारत अब अपने आप में जल थल नभ तीनों में क्या है? सक्षम, सब कुछ है इसके पास। और जैसे वो S-400 आ जाएगी तो उसके बाद में और मजा, M-777 अपाचे, और एक जिसका विवाद चल रहा राफेल, जो क्या पता आएगा या नहीं आएगा। कॉर्नेट ईट एंटी टैंक मिसाइल आता है बेटा, ये भी मैन्युफैक्चर्ड बाय द KVP इंस्ट्रूमेंट डिजाइन ब्यूरो। ऑपरेटर कौन कौन है इसके? रशिया, सीरिया, जॉर्डन, UAE, कुवैत, सऊदी अरब, तुर्की, इंडिया, मोरक्को, अल्जीरिया और ग्रीस। बताइए कहां चाइना है? केवल इसको आप सर के ऊपर रख के भी चला सकते हो। दिख रहा है आपको वो बंदा कैसे दाग रहा है? केवल पकड़ रखा उसने, उस बंबू को जोर से पकड़ रखा, और जैसे ही मिसाइल, हां वी कैन से बंबू टाइप। लेंथ क्या है बेटा इसका? 1200 mm, 1200 mm ओनली, और डायमीटर कितना है? 152 mm। इसका नाम है कॉर्नेट ई एंटी टैंक मिसाइल। जब आपको लगता है टैंक बिल्कुल सामने आ रखा है तो आप उसको उड़ा सकते हो। बराक, मेरा क्वेश्चन है बेटा, इसराइल के, इसराइल और इंडिया के दोनों के सहयोग से कौन सी मिसाइल बनाई गई? बराक। आता है ये भी क्वेश्चन। बराक इज एन इजराइली सरफेस टू एयर मिसाइल डिजाइन टू बी यूज एज ए शिप बॉर्न पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम अगेंस्ट द एयरक्राफ्ट एंटी शिप मिसाइल एंड UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल। रोबोटिक, बटन से नीचे, कोई इंसान बैठने की जरूरत नहीं है, अलग से इसका स्विच रूम रहता है, वहां बटन रिमोट कंट्रोल से दबा सकते हो। चाइनीज फटाके है कि नहीं, जिसको आप रिमोट से दबा सकते हो, यही हो गया, किसी इंसान की जरूरत ही नहीं है। टोटल इसके अंदर सिस्टम इस तरह से है कि आप बटन से दबा सकते हो इसको, सेंसर लगे रहते हैं, सेंसर से आप कंट्रोल कीजिए पूरा। गाइडेंस सिस्टम है बेटा रेडार, GLOS गाइडेंस, ऑपरेशनल रेंज से 0.5 से लेकर 12 किलोमीटर तक। सरफेस है बेटा शिप के द्वारा, स्पीड है इसकी Mach 2.1, जो 720 mph होती है। वेट इसका 98 kg है। फ्लाइट एटीट्यूड के द्वारा इसको 5.5 km बताते हैं, और प्लेस ऑफ ओरिजिन किसका है इसका? इजराइल। ये इजराइल के सहयोग से
जिसको क्या बोलते हो आप, बराक, और ब्रह्मोस रशिया एंड इंडिया, ठीक है। और यूएस के बाद यदि इंडिया के पास में कोई है तो कौन सा है, आकाश, निर्भय। आपको किसी प्रकार डर होने की जरूरत नहीं है, निर्भय। ये संस्कृत के शब्द डॉन्टलेस या फियरलेस से आया, निर्भय। इज ए लॉन्ग रेंज ऑल वेदर, किसी भी वेदर में चला सकते हो, सबसोनिक क्रूज मिसाइल डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया बाय द डीआरडीओ। द मिसाइल कैन बी लॉन्च फ्रॉम मल्टीपल प्लेटफॉर्म एंड इज कैपेबल ऑफ कैरिंग द कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वॉरहेड। ऑपरेशनल रेंज 1000 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर 30 MI के आसपास है। इंजन इसमें लगता है रॉकेट बूस्टर एंड टर्बो फैन, जिसको आप टर्बोजेट भी कह सकते हैं। लॉन्च प्लेटफॉर्म है इसका वर्टिकल लॉन्च व्हीकल, दिख रहा है ना, सीधी नहीं, अभी तक तो जितनी पड़ी उसमें सीधी थी, ये वर्टिकल है, दोनों में अंतर है। हाँ, हॉरिजॉन्टल, सॉरी हॉरिजॉन्टल, और वो क्या था, वर्टिकल। लेकिन इसमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लग रखा है, सिस्टम क्या है, वर्टिकल, तभी तो हॉरिजॉन्टल चलेगा। गीता गोपीनाथ, देखिएगा, मैंने अभी तक आपको केवल मिसाइल मिसाइल बताई है, अभी तक मैंने आपको भारत के ना INS विक्रांत ना विराट, यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो सुनिएगा प्लीज, ना मैंने आपको कोई टैंक के बारे में बताया, ना भारत का रेडार सिस्टम के बारे में बताया, ये अपन अगली क्लास में, क्योंकि समय का अभाव है। मैंने आज लगभग सभी मिसाइल कंप्लीट करा दी, आज कुछ अपॉइंटमेंट है उसको यदि फास्ट फास्ट देखना चाहते तो फटाफट।